और स्वागत ब्रेक के बाद बढ़ेंगे खबर की ओर। बगहा में व्यवहार न्यायालय के वकीलों ने आज वर्चुअल तरीके से हो रही सुनवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण हाईकोर्ट के आदेश पर फिजिकल सुनवाई रोक दी गई है, जबकि वकील फिजिकल कोर्ट चलाने का मांग कर रहे हैं। खिलाफ जो है खड़े हैं और न काम करेंगे, न काम करने देंगे, नो वर्क नो पे। खिलाफ जो है खड़े हैं और न काम करेंगे, न काम करने देंगे, नो वर्क नो पे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पीएम मोदी लगातार सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक कर हालातों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन लोग कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर रहे हैं। ये वजह है कि कोरोना के मामलों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रशासन को सख्ती भी बरतनी पड़ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के छोटा नगड़ा में सख्ती के नाम पर अधिकारी लोगों पर डंडे बरसा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से अधिकारी एक दुकानदार और एक बाइक सवार व्यक्ति को बेरहमी से पीट रहे हैं। वैशाली जिले से ऐसी खबर सामने आई जिसे देखकर किसी की भी आंखें शर्म से झुक जाए। दरअसल जिले के स्थानीय मुखिया और विधानसभा चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी रह चुके महेंद्र राम की मां का श्राद्ध कर्म था। इस दौरान महेंद्र ने बड़े ही बेशर्मी के साथ बार बलाओं के साथ ठुमका लगाया। इस दौरान मंच के ऊपर मौजूद लोगों ने नर्तकी के ऊपर खूब पैसे भी लुटाए। श्राद्ध कर्म के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में कोरोना के गाइडलाइन की खूब धज्जियां भी उड़ाई गई। अब नीतीश कुमार और स्थानीय प्रशासन क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नेशनल न्यूज नहीं करता, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। मसौढ़ी पुलिस ने गया के कोच थाना के भीकनपुर गांव से फरार एक माओवादी शंकर यादव को गिरफ्तार किया। बाद में उसके निशानदेही पर अपने किराए के मकान में छिपा कर रखे दो पिस्तौल, चार कारतूस, एक मोबाइल और लेवी की मांग में प्रयुक्त तीन सिम कार्ड को भी बरामद किया गया। बता दें कि गिरफ्तार माओवादी के खिलाफ ईंट भट्टा मालिकों से लेवी वसूली करने का मामला पूर्व से ही मसौढ़ी थाने में दर्ज है और वह फरार चल रहा था। वहीं पुलिस के सामने नक्सली गतिविधियों में भी वह अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है। बेगूसराय में करंट लगने से चार बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। सभी बच्चे को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना बछवारा थाना क्षेत्र के भीकमचक गांव की है। जानकारी के मुताबिक गांव में एक कार्यक्रम के दौरान चारों बच्चे बस की छत पर चढ़ गए और लाउड स्पीकर लगा रहे थे, तभी ऊपर से गुजर रही बिजली के तार के संपर्क में आ गए। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने सभी को नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। मुंडन का संस्कार का आयोजन था, उसमें बस था, बुलबम एक बस है उसका, उसी पर ही लोग लोड स्पीकर बांधने के लिए ऊपर गया था और बिजली विभाग की लापरवाही कि तार इतना नीचा है कि वहाँ ऐसे भी लोग सट जाएगा, बच्चा देख नहीं पाया, उसमें सट गया, चारों झुलस गया, गिर गया, बुरी तरह सब घायल है निजी क्लिनिक। अरवल में वहां जांच के दौरान पुलिस ने 113 कार्टून विदेशी शराब को जब्त किया। ये कार्रवाई कलेर थाना क्षेत्र के NH 139 पर कलेर बाजार के पास की गई। मामले में वाहन चालक और उप चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला है। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के अय्यापुर थाना इलाके में पुलिस ने 9 अपराधियों को हथियार, जिंदा कारतूस और मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने बताया कि अपराधियों के साथ पुलिस ने एक शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है।
दिनांक 7 तारीख को और 8 तारीख को दो ऐसी घटनाएं हुई जिसमें अपराधकर्मियों की, जो कि सक्रिय लूट करने वाले अपराधकर्मी सब हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 7 तारीख को NH57 पर राघोपुर जाने वाली सड़क पे सूचना मिली, अयापुर थाना को सूचना मिली कि कुछ अपराधकर्मी यहाँ पे लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना पे थाना अध्यक्ष उपाधीक्षक नगर द्वारा एक रेड किया गया और रेड करके पकड़ा गया, वहाँ से 3 व्यक्तियों की गिरफ्तार। भागलपुर जिले के पीरपैंती बाखरपुर के 2 बच्चों के अपहरण की गुत्थी को कटिहार पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने अपहृत बच्चों को छुड़ाते हुए एक अपहर्ता को भी गिरफ्तार किया। दरअसल बीते 5 अप्रैल की देर शाम बारात में कटिहार आए 2 बच्चे नकुल और उसके दोस्त विष्णु का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद 2 दिन तक के बच्चों को भूखे प्यासे मकई के खेत में रख दिया गया था। अपहरण कांड में शामिल 3 अन्य अपराधियों के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एक नकुल कुमार अपने दोस्त की शादी में आए थे, जिनका यहाँ 4 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इसकी सूचना जब उनके परिजन द्वारा पुलिस को दी गई तो उसमें पुलिस के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कटिहार के नेतृत्व में थानाध्यक्ष नगर, थानाध्यक्ष मुफसिल और थानाध्यक्ष रोहतारा की एक टीम बनाई गई। अपहरणकर्ताओं द्वारा फिरौती में 1 लाख रुपये की मांग की गई थी, जो बाद में उन लोगों। नालंदा जिले के एक युवक ने अपनी मंगेतर की हत्या कर दी। घटना थरथरी थाना क्षेत्र के द्वारिका बीघा गांव की है। आरोपी युवक की शादी गांव के रहने वाले अशोक चौहान की बेटी से तय हुई थी। परिजनों ने बताया कि गुरुवार की देर रात आरोपी अपने मंगेतर से मिलने गया, इसी दौरान उसने इस घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। पुलिस आरोपी की खोजबीन में जुटी हुई है। बच्ची के साथ घटना ये हुई सर कि लड़का वो बात करता था, वो लड़का बात 400 घंटा बात करते रहता था, वो बल्फ दे के बुला के ऐसा घटना हो, वो गला काट दिया है सर, पूरा गले काट दिया है पूरा। तो रिश्ता हाँ शादी तय होल था सर। अच्छा। सब चीज़ पैसा वैसा देल है, 4 लाख रुपया के लमसम दे ले, बुलेट गाड़ी था, गाड़ी अभी नहीं पड़ा है। और लड़का के गार्जियन जो लड़की की शादी करे राजी थे, बाकी लड़का के। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक मानाराम अपने घर से शौच के लिए निकले थे, इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया, साथ ही दोषियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग भी की है। बेतिया में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और स्थानीय दुकानदारों के बीच जमकर झड़प हो गई, जिसमें 2 दुकानदारों के साथ साथ एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गया। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि चमैनिया बाजार में बड़े पैमाने पर सैरात की जमीन का अतिक्रमण कर दुकान बना लिया गया, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। को नहीं बढ़ावे के दुकान बढ़ावे लगते रहनी तो कभी नहीं उठाए काउंटर ढा देनी है, उठाए के हमारे एक पटक के रोड पर एथू कर देनी दुकान ढा दे देनी, तेल मोबिल डीजल पेट्रोल वाला लगनी हमारे हाथ एथू कर देना। और खबरों में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।